नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप बहुत शानदार तरीके से होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आपका त्यौहार बहुत अच्छे से गुजरा होगा। होली के बहुत बहुत राम राम। साथियों, आज काफी दिनों से आपसे बात कर रहा हूँ और उसका कारण भी आपको बताएंगे कि क्या कारण है कि इतने दिन आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, रेगुलर आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। और पहले तो आपको होली के बहुत बहुत राम राम और आशा है कि शानदार तरीके से आपका यह त्यौहार रहा होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इतने दिनों तक आपसे लगातार बात भी नहीं कर पा रहे थे, इसका कारण तो ये है कि साथियों, महत्वपूर्ण कारण ये है कि मैं भी अभी तैयारी में लग रहा हूँ, क्योंकि ऑफ सीजन है और ऑफ सीजन में तैयारी करने का एक अलग मजा है, क्योंकि इतना पढ़ाई का बर्डन नहीं रहता, इतना पढ़ाई का बोझ नहीं रहता। तो अपने हिसाब से कंफर्टेबल तरीके से अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और अपनी तैयारी को और रिपीट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो भी मेरे भाई बहन, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की और सब इंस्पेक्टर की, तो उनके लिए मैं नोट्स बनाने के में लगा हुआ हूँ। और जो मेरे पुराने नोट्स है जिनको पढ़ के मैंने एसआई का पेपर क्लियर किया था और राजस्थान पुलिस के पेपर क्लियर किए थे, तो उन नोट्स में जो नई चीजें हैं वो करेक्शन है, वो करेक्शन करने में लगा हूँ, ताकि जैसे ही राजस्थान पुलिस की भर्ती का विज्ञप्ति जारी हो, जैसे ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, वो नोट्स में आप तक पहुंचा पाऊं और आपका सिलेक्शन पक्का कर पाऊं, मेरी तरफ से एक वो आपको गिफ्ट के रूप में दे पाऊं, इसलिए नोट्स तैयार कर रहा हूं। प्लस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के चक्कर में आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए थोड़ा समय चाहता हूं। दूसरी बात, परिवार में शादियां भी थी तो काफी समय से तैयारी कर रहे थे, लगातार घर से दूर थे जब पुलिस की भर्ती थी, तो इस बार शादियों में जाने का मौका मिला तो वहां पे भी गए थे, तो इन चक्करों में हम कंटिन्यू आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब कोशिश करेंगे समय समय पे आपसे जुड़ पाए, आपसे बात कर पाए, ठीक है। तो कुछ आपके सवाल आ रहे थे कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और भर्ती की कोई जानकारी नहीं है, ना तो पुलिस की आ रही है ना सब इंस्पेक्टर की आ रही है। साथियों, एक चीज हमें कंफर्म बताया कि ना तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो गई है वो आखिरी थी, ना पुलिस की जो भर्ती गई है वो आखिरी थी, हमेशा भर्ती आती रहती है। पुलिस की भी आपको पिछले आप इतिहास उठा के देखोगे तो हर साल दो साल, मुश्किल से डेढ़ साल के अंतर में नई भर्ती आती है, ठीक है। तो आशा, पूरी तरह विश्वास है कि 2023 में आने वाले दो तीन महीने के अंदर अंदर आपको राजस्थान पुलिस की एक बड़ी भर्ती, नई भर्ती देखने को मिलेगी, प्लस आपको सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों, मेरी बात करें तो पिछली बार जब त्यौहार था, हकीकत बात है कि पिछली बार जब होली आई थी तब एक सुभाष जी सर का वीडियो आया था, आप देख लेना, कि आप यदि इस त्यौहार पे मजे मार रहे हो ना तो तैयार हो जाइए कि आपका अगला त्यौहार, आपका जो अगला फेस्टिवल है वो खराब होने वाला है, आप मुसीबत में पड़ने वाले हो। साथियों, हकीकत है कि जब राजस्थान पुलिस का पेपर हमने भी दिया था, आपने भी दिया था और देखा होगा कि उस पेपर का कितना लेवल था, शानदार लेवल था। जब मेरा फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में 13 तारीख को, सेकेंड शिफ्ट में पेपर था मेरा जयपुर कमिश्नरेट से, जब मुझे खुद को पता नहीं चल रहा था इतनी मजबूत तैयारी होने के बाद भी कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ये क्या पूछना चाहता है और कैसे इसका उत्तर दिया जाए। हकीकत बात है, सामने जब मुझे 10-12 घंटे का बीच में गैप मिला था, टाइम मिला था, तो मैंने अपने दिमाग को स्तर किया था, ढंग से मेरे माइंड को सेट किया था और उसके बाद मैंने आगे के तीनों पेपर दिए थे जो जाके मेरे पेपर क्लियर हुए थे, ठीक है। तो इतना अच्छा लेवल पेपर का आया है तो आप मान के चलिए कि अब की बार वाली भर्ती में भी पेपर का शानदार लेवल आएगा। साथियों, जिस प्रकार से कट ऑफ बढ़ रही है और जिस प्रकार से पेपर आ रहे हैं, उससे एक चीज तो साफ है कि आपको तैयारी आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप हल्की फुल्की तैयारी जैसे 2018 से पहले या 2018 की भर्ती या उससे पहले भर्तियों में आपकी तैयारी होती थी, उस तैयारी से काम चलने वाला नहीं है। तो इन पेपर को क्रैक करने के लिए और जल्दी कि आप सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि आपको भी पता है एक बड़ी टेंशन यह है कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब, तब तक आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मेन पॉइंट, जो मेन ब्रेकर है वो गवर्नमेंट जॉब ही है। इसके बाद ही आप जो भी हो, कि शादी हो, विवाह हो, या कोई अपना बिजनेस करे, या कोई भी आप चीज करे, तो वो एक आप इस चक्रव्यूह में जो पड़े हुए हो, इस चक्रव्यूह से निकलने के बाद ही कर सकते हो। तो इससे अच्छा है मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिन भी भाइयों का, जिन भी सिस्टर का अब की बार राजस्थान पुलिस का पेपर क्लियर था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण से, 1-2-3 नंबर से, उनको लगातार 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए। आप लाइब्रेरी में कीजिए, रूम में कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, 8 घंटे ऑफ सीजन है, कोई भी लोड, कोई भी बर्डन आपके पास है नहीं। और जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ लेकिन तैयारी अच्छी थी,
उनको 12 घंटे के लगभग लगभग आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। ऑफ सीजन में पढ़ाई करने का इतना मजा है कि आप पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं होता, ठीक है। तो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, कंटिन्यू आपके साथ जुड़ूंगा, और एक दो दिन से आपके लिए मोटिवेशन वीडियो वगैरह लेके आऊंगा। साथियों हकीकत बात है दुनिया में कि कंपटीशन इस कदर है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई, और पढ़ाई से आसान काम कोई है नहीं। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी काम देख लीजिए, यदि आप 12 महीने ही पढ़ाई करते हो ना, 12 महीने ढंग से दिमाग लगा के टाइम टेबल से पढ़ लोगे, तो आपके 60 साल सिक्योर हो जाएंगे, और 60 साल आराम से गुजारने के लिए आपको कम से कम 12 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, ठीक है। और कामयाब लोगों की पूंछ है, ये दुनिया में हकीकत चीज है, आपको भी बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो जब मैंने वो सुभाष सर का वीडियो था कि यदि इस त्योहार आप मजे मार रहे हो ना, तो अगला त्योहार आपका डेफिनेटली खराब होने वाला है, तो वो वीडियो मैंने जब उस टाइम देखा था पिछली बार, तो सच में उस टाइम मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि यार क्या कर रहे हैं अपन, मजे मार रहे हैं, तो आने वाली भर्ती में अपने सिलेक्शन वैसे होने वाला है नहीं, डेफिनेटली हमें पता है। और हमें जितना दुख होता है ना, उतना ही हमसे जो अपने मित्र हो या अपने माता पिता हो या परिवार वाले रिलेटिव जो भी हो कि अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमसे भी ज्यादा दुख होता है कि यार अपन इस नाकामयाब इंसान के साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहा है और इसके साथ अपनी और जिंदगी खराब कर रहा है। तो प्रॉपर जो चीजें होगी वो मैं आपको आने वाले समय में लगातार बताता रहूंगा, आप तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, आप हमेशा कामयाब रहेंगे जिस तरह से बताऊंगा। बाकी आपके लिए नोट्स में तैयार कर रहा हूँ, ये आपके लिए खुशखबरी है। तो जैसे ही भर्ती आएगी, अभी नहीं लेकिन जैसे ही भर्ती आएगी, आपको शॉर्ट और स्वीट मटेरियल जो है वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।